अगली खबर, जहां पर पंजाब के पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पंजाब में दिल्ली की कट्टर भ्रष्ट पार्टी और सिख दंगों की दोषी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि पंजाब और झाड़ू दो पार्टियां हैं, लेकिन वे एक ही दुकान से हैं। कुछ भी बयान देते हैं, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठा कर नाच रहे हैं और पंजाब की जनता को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे सकते हैं, वे एक दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग न तो पंजाब का विकास कर सकते हैं, न ही आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। ये सभी बातें कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में। मैं आज पंजाब की धरती पर पंजाब के मेरे भाई बहनों से मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। गुरुओं की भूमि पर सर झुका करके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई और बहनों, राष्ट्र रक्षा हो, आस्था और संस्कृति की रक्षा हो, या फिर देश का विकास, पंजाब ने, सिख समाज ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। यहां के लोगों ने खेती से लेकर उद्यमिता तक देश के विकास को नेतृत्व दिया है। लेकिन साथियों, कट्टर भ्रष्टाचारियों ने पंजाब का क्या हाल बना दिया। यहां से उद्योग कारोबार पलायन कर रहा है और ड्रग्स का, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता। यहां रेत खनन माफिया, ड्रग माफिया, शूटर गैंग की मनमानी चलती है। पूरी सरकार कर्ज पर चल रही है। सारे मंत्री संतरी मौज कर रहे हैं और जो कागजी सीएम है उन्हें दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। क्या ऐसे लोग पंजाब का विकास कर सकते हैं? यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। यहां के लोग कुछ भी बयान दे, लेकिन दिल्ली में एक दूसरे को कंधे पर उठाकर नाच रहे हैं। और इसलिए मैं पंजाब के लोगों को प्रार्थना करता हूं कि इनसे सावधान रहना है। जिसको वो अपना गुरु मानते थे, वो अन्ना साहब हजारे के साथ भी जो धोखा कर सकते हैं, वो दिन में 10 बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसे लोग न पंजाब का भला कर सकते हैं, न आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ देख करके जा सकते हैं।